हाय, मैं हूँ डॉक्टर विशाल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेल्स के यानी कि जेंट्स के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में और वो कैसे क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और आप कैसे उसे छुटकारा पा सकते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है, वो पाइप या वो जगह है या वो रास्ता है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेके शरीर के बाहर लाता है। तो वो बेसिकली एक तरह का ट्यूब है जो कि यूरिन को कैरी करता है और इसका जब इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेल्स में और फीमेल्स दोनों में होता है, बट ये फीमेल्स में ज़्यादा मात्रा में होता है, ज़्यादा फीमेल्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है और काफ़ी कॉमनली होता है। इसी वजह से उनको जनरली इसका ट्रीटमेंट पता होता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और कुछ समय के बाद उनको इनके सिम्टम्स ही पता चल जाते हैं और वो अप्रोप्रिएटली अपनी दवा ले पाते हैं। बट मेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है उतना कॉमन नहीं है और इसी के कारण उनको जब इन्फेक्शन होता है तो जनरली उनको पता नहीं होता है और जब तक वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो अब आपको पता चल गया कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं यूरिन करते हुए जलन महसूस होना, बार बार आपको यूरिन के लिए जाने का मन करना, यूरिन का जो कलर है वो अगर ऐसा क्लाउडी या ऐसा वाइटिश हो गया है तो आप समझ सकते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। उसके अलावा जो और सिम्टम्स हैं वो कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर, पेन, बर्निंग सेंसेशन। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो जाए तो आपको पेन इन एब्डोमेन भी हो सकता है क्योंकि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे आपके यूरिनरी ब्लैडर और किडनी तक भी पहुंच सकता है। तो ऐसे कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जिनको आप जिन पे आपकी नज़र होनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ आपको हो रहा है तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए और पता करिए कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या UTI तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्यों है या UTI क्यों होता है। तो UTI होने के कई सारे कारण हैं बट उसमें से जो सबसे कॉमन कारण है, जो कि कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं, वो ये है कि वो इनफ पानी नहीं पीते हैं। लोगों की आजकल लाइफस्टाइल जो है बहुत ही फास्ट हो गई है और हमारे यहाँ का वेदर भी गर्म है तो इसके कारण ये होता है कि जब आप डिहाइड्रेटेड होते हो तो आपकी किडनी जो है ज़्यादा यूरिन नहीं प्रोड्यूस करती है एंड जो यूरिन प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है और यूरिन का काम होता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको क्लीन रखना। जब यूरिन पास होती है तो सारा अपने बैक्टीरिया अपने साथ लेके जाती है, तो जब ये यूरिनरी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है पानी कम पीने की वजह से तो वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ जाती है एंड इवेंचुअली आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगता है। ये जो कारण है ये जनरली मेल्स में पाया जाता है, फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कुछ और कारण है जो कि मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो कभी दोबारा बनाएंगे। नेक्स्ट जो कारण मेल्स में पाया जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के कारण बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है एंड इन्फेक्शन होना काफ़ी कॉमन हो जाता है। जैसे जैसे मेल्स में एज बढ़ती है जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ब्लैडर के पास, यूरिनरी ब्लैडर के पास, उसका साइज बढ़ते जाता है जिसको हम कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ना। उसके कारण ब्लैडर ठीक से पूरी तरह एम्प्टी नहीं हो पाता है और जब वो एम्प्टी नहीं हो पाता तो वहीं पे यूरिन जमा हो जाती है जो कि बैक्टीरिया के ग्रो होने के लिए एक अच्छा मीडियम है एंड इवेंचुअली आपको यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो सकता है एंड UTI हो सकता है यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। किडनी स्टोन एक और बीमारी है जिसके कारण यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसको फोलीज या कोई यूरिनरी कैथेटर बहुत टाइम से लगा हुआ है उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के कारण के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्टली सर्कमसिजन जो जिन व्यक्तियों का नहीं होता है उनकी हाइजीन मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, उनको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अगर सर्कमसिजन से रिलेटेड आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर लिंक कर देता हूँ, आपको मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अगर आप UTI को ठीक नहीं कराएंगे तो क्या नुकसान हो सकता है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ के आपकी यूरिनरी ब्लैडर तक जा सकता है और वहाँ से ऊपर चल के आपकी किडनीज तक जा सकता है। अगर UTI का कोई पेशेंट मेरे पास बहुत लेट पहुँचे और उसने ट्रीटमेंट अपना इग्नोर किया हो तो उसको धीरे धीरे यूरिनरी ब्लैडर की भी तकलीफ हो सकती है, किडनी की भी तकलीफ हो सकती है और जो कोई चीज़ UTI जैसी चीज़ जिसको कि बहुत इजीली कंट्रोल किया जा सकता था अब बॉडी की बहुत ही सीरियस बीमारी बन जाती है जिसके कि रिजल्ट अच्छे नहीं है एंड इवेंचुअली पेशेंट को उसके कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ते हैं। सो डोंट इग्नोर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जितनी जल्दी हो सकता है आप उसका ट्रीटमेंट कराइए एंड मेक श्योर इट डज नॉट स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी।
अब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन आपको अगर हुआ है तो आप कैसे पता कर सकते हैं? आप एक बेसिक यूरिन टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है। यूरिन की रिपोर्ट में आता है कि कितने उसमें पस सेल्स हैं और उससे आपको पता चल जाता है कि आपको यूटीआई है या नहीं है। अगर ये रिपोर्ट आप अपने डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो कुछ और एडवांस्ड इन्वेस्टिगेशन आपको बताएंगे, जैसे कि उस पस सेल जो है आपकी यूरिन के उसका कल्चर करके ये पता किया जा सकता है कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत है। तो इसका ट्रीटमेंट कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही आपको तकलीफ हो तो आप डॉक्टर के पास जाओ और अपना ट्रीटमेंट ठीक से करवाओ। यूटीआई का बेसिकली ट्रीटमेंट दवाइयों से होता है, उसका मेनली मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी टाइप की दवाइयाँ दी जा सकती हैं ये तो मेनली आपको आपके डॉक्टर बताएंगे, बट मैं आपको बता देता हूँ कि एंटीबायोटिक्स का इसमें काफ़ी रोल है। कुछ एंटीबायोटिक्स होती है स्पेसिफिकली यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, वो आपको दी जाती है। कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो कि यूरिन का पीएच जो है वो चेंज कर देती हैं, उसको अल्कलाइन बना देती हैं, जिससे कि इन्फेक्शन होना मुश्किल हो जाता है और उससे भी आपका इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ये सब दवाइयाँ हैं जो आपको आपके डॉक्टर बताएंगे। आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको यूटीआई ना हो, या अगर हो गया तो वो फ्यूचर में ना हो, प्रिवेंट अगर आप करना चाहें तो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं यूटीआई प्रिवेंट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है और सबसे बेसिक और सबसे कॉमन सेंस वाली जो बात है वो ये है कि आप पानी बहुत सारा पीजिए, कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर आपको पानी कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट, क्रैनबेरी जूस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी पॉपुलर, जिसको कि लोग समझते हैं कि उनसे यूटीआई नहीं होगा। हाउएवर, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। एक बार यूटीआई आपको हो गया है तो आपको क्रैनबेरी जूस कोई मदद नहीं कर पाएगा, बट अगर आप उसको रेगुलरली पीते हैं तो ही वो आपको कुछ मदद कर सकता है यूटीआई नहीं होने के केस में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि आप यूटीआई को ठीक करने के लिए या किडनी स्टोन्स को ठीक करने के लिए अनजाने में ऐसे डॉक्टर्स के पास मत जाइए जहाँ पे आपको नॉन साइंटिफिक और गलत या आधा ट्रीटमेंट दिया जाए। और भले ही वो आपके पैसे थोड़े बचा लेगा, लेकिन जब इन बीमारियाँ जो हैं वो सीरियस हो जाती है, जब आप काफ़ी टाइम तक अपना समय गवा चुके होते हैं, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते हैं अपना सही ट्रीटमेंट लेने के लिए। सो डोंट गो फॉर क्विक फिक्स एंड नॉन साइंटिफिक थेरेपीज इन ऑर्डर टू फाइंड ईजी क्योर फॉर योर ट्रीटमेंट। गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड गेट योर ट्रीटमेंट प्रॉपरली डन। So this was a short video about urinary tract infection in males. I hope you like it. I hope it was very informative. And subscribe to the channel. Thank you for watching. And live healthy, live smart.